गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सेवन्थ का सिक्स चैप्टर ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी, उसकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8, जो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं दी डायगोनल ऑफ द रॉम्बस मेजर 16 एंड 30 मीटर, फाइंड इस पैरामीटर। एक रॉम्बस फिगर है, उसके जो डायगोनल दे रखे हैं, रॉम्बस भी फोर साइड क्लोज फिगर होता है, तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं फोर साइड क्लोज फिगर। इस फिगर के क्या उन्होंने डायगोनल दे रखे हैं, साइड नहीं दे रखी हैं, और ये कह रहे हैं इसका हमें पैरामीटर निकालना है। तो डायगनल हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, जैसे डायगनल ये दे रखा है, एक डायगनल दे रखा है और एक डायगनल ऐसे दे रखा है, तो इसका कुछ स्पेसिफाई नहीं दे रखा। तो इसको मान लो हमने 16 ले लिया है और इसको मान लो हमने 30 सेंटीमीटर ले लिया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं डायगनल दे रखे हैं, इसका पैरामीटर निकालना रोम्बस का। पैरामीटर तो 4 × साइड आ जाएगा, बट ये 16 दे रखा है और ये 30 दे रखा है, ठीक है। बट पहले साइड मिलेगी तभी तो डायगनल निकलेगा। अब हमें पता है जो डायगनल होते हैं रोम्बस के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये जो है साइडें बराबर हो जाती हैं, तो हम इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी डी और यहाँ ओ, और यहाँ पर क्या एंगल बनता है इसका, 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये साइडें जो दे रखी हैं, क्योंकि जब ये साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है, डायगोनल किसके, रोम्बस के, ओके। तो जब जब बराबर है तो हम क्या करते हैं, इस डी ओ को, ये जो है पूरी हमारी लाइन जो है, ये इसमें से हम इसकी डी ओ की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी ओ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरी को हाफ़ कर देंगे, अब 30 का हाफ़ करेंगे तो डी ओ की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, डी ओ इक्वल टू डी बी हाफ़। तो डी बी हमारा 30 था, 30 का हाफ़ करेंगे कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही हम किसकी, ओ सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ सी ए, सी ए का हाफ, सी ए कितना था 16, 16/2 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये जो साइड यहाँ तक 15 होगी, ये 8 होगी, तो ये हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ये है 90 डिग्री है, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आप परपेंडिकुलर ले और ये आप बेस ले लो, ठीक है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अब लगा सकते हैं, ओके। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच हमारा देनी रखा, हमें ढूंढना है साइड, ओके। पी हमने ये रखा था तो ये 15 है, 15 का स्क्वायर। बी हमारा कितना है यहाँ पर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू, अब 15 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना है, 225 होता है, याद करना स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है, स्क्वायर आप लोग याद करना। 1 225 और 64 को ऐड करेंगे, हमारा 289 आ जाएगा। और ये जो ये स्क्वायर है, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा ऐसे करके। अब आपको ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, ये 17 का होता है, तो 17 दो बार लिखना पड़ेगा। अब दो बार लिख के एक बार एक पेयर बाहर आ जाता है, तो ये हो गया 17 सेंटीमीटर। एच आपका कितना आ गया, 17, ये जो साइड आपकी आ गई 17 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है। अब हमें पैरामीटर निकालना है इसका, पैरामीटर और रोम्बस। तो फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रोम्बस 4 × साइड, 4 × 17 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो साइड कितनी हमारी 17, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 सेंटीमीटर हमारा पैरामीटर आ गया रोम्बस का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जो लास्ट क्वेश्चन था 6.5 एक्सरसाइज का, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में सर्कल आइकन आता है, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने यूट्यूब में लॉगिन नहीं कर रखा है, तो पहले यूट्यूब में लॉगिन करें फिर चैनल में सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट का भी आप लोग यूटिलाइज़ करें, प्लेलिस्ट मिलती है मेरे चैनल में, उसका बहुत सा फ़ायदा है। जैसे इस चैप्टर चैनल में बहुत सी वीडियो हैं, तो आप लोग को अपनी क्लास की वीडियो नहीं मिलती होगी, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, अपनी क्लास देखिए और चैप्टर देखिए, क्लिक कीजिए, आपको सारी वीडियो एक जगह पे मिल जाएंगी, आप लोग स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।